डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, जिसको कि प्रमाप विचलन या मानक विचलन के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन आइडियल साइंटिफिक एंड मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के सबसे बेस्ट या आइडियल और जो साइंटिफिक मेजर के बारे में यदि हम बात करें तो प्रमाप विचलन जो है वो उसमें आइडियल मेजर के रूप में जाना जाता है। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के द्वारा जो है इसको पहली बार जो है प्रयोग में लाया गया था इन द ईयर 1893। ये जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो यूज हुआ था 1893 एंड इट्स परफॉर्म्ड बाय यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन इन द ईयर 1893 फर्स्ट टाइम। कार्ल पियर्सन ने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम दियर अर्थमेटिक मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन फ्रॉम द मीन। इट इज कॉल्ड एज सेकेंड मोमेंट ऑफ ए डिस्पर्सन। इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ ए डिस्पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीन एरर डेविएशन। मीन एरर डेविएशन या दूसरे शब्दों में हम कहें मीन स्क्वायर एरर डेविएशन। और जो इसका साइन है, ये जो साइन मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द स्मॉल ग्रीक लेटर रीड एज सिग्मा। इसको हम सिग्मा स्मॉल जो है इस तरह से इसको भी हम सिग्मा के नाम से रीड एज सिग्मा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यदि हम कहें कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक आइडल फॉर्म जो है डिस्पर्सन की कही जाती है। डिस्पर्सन का जो आइडल मेजर है उसको हम डिस्पर्सन के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इसमें रखते हैं। अब देखते हैं हम कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं जो कि गिवन है इंडिविजुअल सीरीज का। एक्स मेजरमेंट हमारे को दिए हुए हैं और वो मेजरमेंट इस तरह से दिए हुए हैं 140 88 95 93 97 82 110 100 85 and then 80। ये कहलाएगा सिग्मा एक्स। इसका टोटल कर लेंगे 140 88 95 93 97 82 110 100 85 एंड 80। तो इसका एक्स का जो है हम टोटल कर लेते हैं
और ये जो टोटल है ये आ रहा है हमारा 970। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे को एक्स बार कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशन लेने हैं वो अर्थमेटिक मीन से लेने हैं, तो एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो जो एक्स बार का फार्मूला होगा डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स तो 970 था, हमने टोटल कर लिया था, एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इज इक्वल टू 10, तो एक्स बार जो है हमारा 97 आ गया। एक्स बार जो है वो सबसे पहले हमने एक्स बार को कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारा 97 आ गया। अब हमें डेविएशन लेना है डी, जिसको कि डी से हम डिनोट करेंगे, ये होगा एक्स माइनस एक्स बार, या आपके समझने के लिए लिख दिया मैंने डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, एक्स में से एक्स बार को जो है हम लेस करेंगे, तो 143 में से 97 को लेस करेंगे तो ये आ जाएंगे प्लस के 43, 88 में से माइनस करेंगे 97 तो ये माइनस के आ जाएंगे माइनस के 9, 95 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 2, ऐसे ही 93 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 4, 97 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 82 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15, फिर 110 में से माइनस करेंगे तो प्लस के 13, फिर 100 में से माइनस करेंगे तो प्लस के 3, फिर 85 में से माइनस करेंगे तो प्लस माइनस के 12, और 80 में से माइनस करेंगे 97 तो माइनस के 17। मीन डेविएशन कैलकुलेट करते समय हमने आपको बताया था कि इग्नोरेंस ऑफ साइन, अर्थमेटिक साइन माइनस प्लस के जो साइन है उसको इग्नोर करते हैं, तो यहां पर हमें इग्नोर नहीं करना है। अब सिग्मा डी, ये जो डेविएशन लिया है इसका सिग्मा करेंगे, और जब हम एक्चुअल मीन से ये जो डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो टोटल है वो टोटल हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस के भी उतने ही और प्लस के भी उतने ही आएंगे, तो ये सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे को स्क्वायर करना है डी स्क्वायर, डी स्क्वायर नेक्स्ट जो हमारे को करना है वो डी स्क्वायर करना है, तो डी स्क्वायर करेंगे तो 43 का जो स्क्वायर होगा 43 × 43 1849, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस और प्लस के साइन जब वो स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि 43 × 43 −9 × −9 तो ये हो जाएगा प्लस के 81, इसलिए इस तरह से साइन चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो जब हम स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते समय जो है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 2 का जो हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 4 4 4 16, 0 15 का हो जाएगा 2 2 5, 13 का हो जाएगा 1 6 9, 3 का हो जाएगा 9, 12 का हो जाएगा 144, और 17 का हो जाना चाहिए 289। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर इसका टोटल कर लेंगे, इसका जो टोटल है वो आ जाएगा 2786। अब हम इसके आगे का बात करते हैं,
एक्स बार हमने कैलकुलेट कर दिया था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसको लगाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर 2786 डिवाइडेड बाय 10। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 278.6 और इसका अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो अंडर रूट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 16.69। कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमारे को कोफिशियंट कैलकुलेट करना है तो कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो 16.69 डिवाइडेड बाय 97। तो जब हम इसको 97 से डिवाइड कर देंगे तो ये इस तरह से हमारा ये कैलकुलेट करके इसका कोफिशियंट आ जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि इसमें एक्स बार यानी कि एवरेज को कैलकुलेट करना है, एवरेज से डेविएशन जो है वो हमारे को लेना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्टार्ट हम करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं जो कि डिस्क्रीट सीरीज का होगा, डिस्क्रीट सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किस तरह से वहां कैलकुलेट होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है एक्स 0, 2, 4, 6, 8, 10। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 5, 5, 3, 2। अब वही कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स बार को कैलकुलेट करना है। तो हम एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 0 0, 2 3 6, 4 5 20, 6 5 30, 8 3 24, 10 2 20। तो यहां सिग्मा एफ ले लेंगे, यहां सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का करते हैं 2 3 5 5 10 15 20, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो है वो 20 आ गया, और एफ एक्स का जो टोटल है इसको करते हैं ये आ रहा है हमारा 100। एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डायरेक्ट उसमें अपॉन सिग्मा एफ, तो ये आ गया हमारा 100 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5, यानी कि एक्स बार जो है हमारा क्या आ गया वो 5 आ गया। अब डी कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स बार, अभी पहले ही बताया था मैंने ये डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, तो x बार इज इक्वल टू कितना आया है 5, तो x में से 5 को लेस करना है, 0 में से 5 को लेस करेंगे तो -5, 2 में से लेस करेंगे -3, 4 में से लेस करेंगे -1, 6 में से लेस करेंगे +1, +3 एंड +5। ये डेविएशन ले लिया किससे, एक्स से, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार कितना आया था आपका
5 आया था, तो 5 से आपने जो है ये डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हो जाएगा 5 जा 25, 3 जा 9, 1 1 का फिर 1 आ जाएगा, 3 जी 9, 5 जा 25 और सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 9 10 70, ये हमारा 70 आ गया। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ मल्टीप्लाइड विद डी स्क्वायर। तो एफ है 2 इंटू 25 तो ये आ जाएगा 50, 3 इंटू 9 27, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 फिर अगेन 5, 3 इंटू 9 अगेन 27 एंड 2 इंटू 50 और 25 ये आ जाएगा 50 और हम इसका टोटल कर लेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इसका जो टोटल है वो टोटल आ जाएगा हमारा 164। तो आपने देखा पहले ये एक्स दिया हुए थे, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी हमारे को, सबसे पहले हमारे को एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स कर दिया डायरेक्ट मेथड में। और उसके बाद हमने क्या करा कि हमारा एक्स बार का फार्मूला लगा करके एक्स बार कैलकुलेट कर लिया, 5 आ गया। अब हमारे को डी कैलकुलेट करना है, डेविएशन को कैलकुलेट करना है। डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स बार, ये हमारे एक्स हैं, इसमें से हर एक में से हमने जो हमारा एक्स बार है 5 उसको लेस कर दिया, डी का स्क्वायर कर दिया और फिर उसको हमने एफ से डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। डी स्क्वायर जो है जो भी हमारा आया उसको हमने क्या करा एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनके हमने सिग्मा ले लिया। अब हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, देखें ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था, अब इसमें हम जो है फार्मूला पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में हम लेकर के चलेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, एन की जगह क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हमने कैलकुलेट किए थे 164 और सिग्मा एफ हमारे पास आया था 20, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 8.2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.86, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्वेश्चन में यदि आपसे कॉफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमने भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो 2.86 डिवाइडेड बाय 5, हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका कॉफिशियंट आ जाएगा। .572 कभी कभी साथ साथ हमें आपको पूछा जाता है, मैं इसीलिए साथ साथ ये बता रहा हूं, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन, ये भी पूछा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं सीवी। सीवी का फार्मूला होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो ये 2.86 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 57.2 और ये कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन जो है ये परसेंटेज में आता है क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया है, यानी कि सेम यही फार्मूला है, दैट इज
मल्टीप्लाइड विद 100 तब ये कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन। तो आपने देखा किस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व किया, और ये जो क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का था। डिस्क्रीट सीरीज में हमने किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं जो कि हमारा कंटिन्यूस सीरीज का होगा, जिसमें क्लास इंटरवल दिए हुए होंगे, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। That is the class interval given to us। ये class interval हमारे को दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें एक काम कर लेते हैं क्योंकि बाद में भी करना पड़ेगा, हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको कि हम x से डिनोट करेंगे। 10 टू 20 हो जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15। 10 और 20 को जोड़ा 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड वैल्यू निकाल ली। इसकी आ जाएगी 25, इसकी आ जाएगी 35, इसकी आ जाएगी 45, इसकी आ जाएगी 55, इसकी आ जाएगी 65 और इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 75। ये मिड वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली, 70 और 80 को ऐड किया 150 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 75। तो ये मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। फ्रीक्वेंसी अब हमारे को गिवन है, फ्रीक्वेंसी वो मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं। फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 8, देन 16, देन 12, 10, देन 6, देन 4। इसका टोटल भी कर लेते हैं साथ साथ, सिग्मा एफ ये टोटल जो इसका आ रहा है ये 58 आ रहा है। चेक इट आउट, इसको चेक कर लेना, 58 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने ले लिया। अभी मैं डायरेक्ट मेथड से ही बता रहा हूं, तो डायरेक्ट मेथड से बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करना है, तो एफ मल्टीप्लाइड विद एक्स, एफ एक्स हो जाएगा। तो 15 into 4 तो ये आ जाएगा हमारा 60, 25 into 8 200, 35 into 8 ये आ जाएगा 280, फिर 45 into 16 तो ये हो जाएगा 720, फिर हो जाएगा 12 into 55 तो ये आ जाएगा 660, फिर आ जाएगा 6 into 65 तो ये आ जाएगा 390 कैलकुलेट करके, और 75 into 4 तो ये आ जाएगा हमारा 300। इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, इसका टोटल 0, 1, 6, 2, 2, 6, 1, 0। तो सबसे पहला काम जो हमारे को करना है वो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमें एक्स बार को कैलकुलेट करना है, एक्स बार डायरेक्ट मेथड से। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ तो ये हो जाएगा 2610 डिवाइडेड बाय 58, 58 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड करके आ रहा है 45। तो जो एक्स बार है हमारा वो कैलकुलेट करके आ गया है 45 आ गया। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, जब हमने एक्स बार कैलकुलेट कर लिया तो हमारे को डी कैलकुलेट करना है। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि हमने एक्स में से एक्स बार को लेस करना है, और एक्स बार हमने कैलकुलेट किया है 45 को लेस करना है। एक्स ये है 15 में से हम 45 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 30, 25 को लेस करेंगे 45 में से
तो ये 20 आ जाएगा, 35 में से लेस करेंगे माइनस के 10 आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, प्लस के 10, प्लस के 20 एंड प्लस के 30, ये हमारे पास D आ गया। फिर नेक्स्ट जो हमने वर्क बताया था आपको कि D का स्क्वायर करना है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 0 का स्क्वायर 0, 100, 400 एंड 900। और लास्ट जो कॉलम हमारा बनेगा वो F से मल्टीप्लिकेशन करके F इंटू डी स्क्वायर, तो F से मल्टीप्लाई कर देंगे, F है 4, 4 इंटू 900 30, 600 आ जाएगा, 8 इंटू 400 3200 आ जाएगा, 8 इंटू 100 800 आ जाएगा, फिर 16 इंटू 0 तो ये 0 आ जाएगा, 12 इंटू 100 तो 1200 आ जाएगा, 6 इंटू 400 2400 कैलकुलेट करके आ जाएगा, 4 इंटू 900 ये 3600 आ जाएगा। तो ये इस तरह से कैलकुलेटर करके आ गया 3600, 3200, 800, 0, 1200, 2400 एंड 3600। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, और जो इसका टोटल होगा वो होगा सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, तो एफ इंटू डी स्क्वायर जो हमारा टोटल है इसका टोटल करके 0, 0, 8, 14,800, ये हमने टेबल तैयार कर ली है। और अब इसके बाद जो है हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो है वो पुट करना पड़ेगा, तो हम फार्मूला जो है इसमें पुट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमने कैलकुलेट किया था 14,800 अपॉन सिग्मा एफ जो हमारा कैलकुलेट करके आया था वो था 58, तो इज इक्वल टू इससे हम डिवाइड करेंगे 58 से, तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके ये आ रहा है 255.17, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 15.97। अगर अब इसके बाद आपको कोफिशियंट निकालना है, कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, और सीवी कैलकुलेट करना है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड विद 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और ये बताया आपको डायरेक्ट मेथड से कि डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से जो है आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं, आप उनको ट्राई कीजिएगा घर पे, एक एक दो दो क्वेश्चन में जो है इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूस सीरीज का जो है वो मैं कैलकुलेट करने के लिए आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको x गिवन है 15, 18, 13, 20, 17, 10, 16, 19, 22 एंड 20, 22 एंड 20, ये x आपको गिवन है और इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके आना चाहिए
3.435 और कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेट करेंगे वो आना चाहिए 0.2021। ये कैलकुलेट करके आपका आना चाहिए 15, 18, 13, 20, 17, 10, 16, 19, 22, 20। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसको भी आप करके देखिएगा। एक्स 26, 24, 29, 22, 30, 19, 24, 28, 28 and 30। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट करके आना चाहिए आपका 3.49। ये जो कैलकुलेट करके आना चाहिए 3.49। तो दो क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको दिए हैं इंडिविजुअल सीरीज के, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज का, उसको आप कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन को। एक्स आपको दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 5, 12, 22, 17, 9, 4। ये आपको दिया हुआ है और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर होगा वो 13.26 इसका आंसर आना चाहिए। और एक क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का मैं आपको नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस सीरीज का क्लास इंटरवल आपको दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and frequency. Frequency is given to us 6, 10, 20, 9, 5। ये दिया हुआ है हमारे को और इसमें हमारे को जो कैलकुलेट करना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर होगा वो 11.21 जो है इसका जो आंसर है वो आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने दिए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से ही अभी आपको ये करने हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। कल फिर हम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में ही बताएंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन में किस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन आपसे करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को आप हमारे से पूछ सकते हैं।